cart to its place. जी हम फ्रेंड, ये वीडियो जो अभी आप लोगों ने देखी, इस वीडियो को मैंने अपने ही मोबाइल से काइन मास्टर से एडिट करके बनाया है। अगर आप भी
इस तरीके की वीडियोस बनाकर यूट्यूब से लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ देखिए मैंने यूट्यूब पर सर्च किया वाइकल कार्टून, तो यहाँ देखें वाइकल कार्टून में जो भी कार्टून है इस तरीके की वीडियोज़ आप क्रिएट करके लाखों रुपये कमा सकते हैं और हर वीडियोज़ पर मिलियंस में जो है व्यूज़ आ चुके हैं। यहाँ देखें आपके सामने हर वीडियो पर मिलियन से ऊपर व्यूज़ है। तो इस वीडियो को कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, सब जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है अपने प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आने के बाद यहां पे सिंपली टाइप करना है बोल्टा हाउस। जैसे आप यहां पे बोल्टा हाउस सर्च करेंगे यहां पे ये वाली एप्लीकेशन आ जाएगी, काफ़ी सारी आएगी, पर इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर मैंने पहले से किया हुआ है। उसके बाद सिंपली इसको ओपन कर लेना। ओपन जैसे करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे होम पे क्लिक करके आपने इसके होम पे आ जाना है। यहाँ देखिए इसके काफ़ी सारे राउंड होंगे, आप कोई सा भी राउंड जो भी आपको अच्छा लगे उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैं इस राउंड को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, तो काफ़ी सारे यहाँ पर लॉक है। यहाँ पर तीन जो है वो अनलॉक है क्योंकि मैं इसको खेल रहा था। तो यहाँ पर देखिए इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली इसको हमने रिकॉर्ड कर लेना है अपने स्क्रीन रिकॉर्डर से। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। यहाँ पे देखें सिंपली आपको एक जो है राउंड वो खेलना है। यहाँ पे सिंपली यहाँ देखिए यहाँ पे सिंपली इसको कुछ भी नहीं करना है, ये जो है इसके जितने भी पार्ट है इसमें फ़िट करना है, ऑटोमेटिक ये फ़िट होता रहेगा और आप जो है स्क्रीन रिकॉर्ड करते रहेंगे। यहाँ पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो ऑन कर दी। यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, तो सिंपली हम क्या करेंगे इसको फिलअप कर देंगे डायरेक्टली। ये देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। उसके बाद ये देखें हमें जो है ये फील यहाँ पे जो है वो फिट हो चुका है। फिट होने के बाद ये अगले राउंड पे जाएगा। यहाँ पे जो है फ्यूल है, यहाँ पे फ्यूल भरना है। फ्यूल के क्या करना पड़ेगा उसके लिए यहाँ पे जो है येलो पे क्लिक करना है। सिंपली ये रिकॉर्ड हो रही है हमारे मोबाइल में, जो भी हम कर रहे हैं ना ये रिकॉर्ड हो रही है। तो सिंपली यहाँ पर देखें फ्यूल जो हम भरवा रहे हैं, उसके बाद यहाँ से जो है ये पुशअप कर रहे हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे फ्यूल भी भर गया। उसके बाद ये ऑटोमेटिक जो गाड़ी है आगे बढ़ेगी, ये सब हमारे मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है। तो सिंपली अगर अगला जो राउंड है यहाँ पे जो है वो ट्रक जो है क्रेन वो आएगा और यहाँ से जो ये ट्रक है ट्रक को काट के हमारे डंपर पर लोड कर देगा। ये भी हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सिंपली आपको सिर्फ रिकॉर्ड करना है जो यहाँ पर आप कर रहे हैं, जो पार्ट आपको चाहिए उसको रिकॉर्ड करना है। यहाँ पर सिंपली देखिए यहाँ पे जो है हमारा रिकॉर्ड हो गया। अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, अपने काइन मास्टर पे आ जाना है। तो ये सब भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ से। देखिए इसको जो है जहाँ जहाँ ये स्क्रैच आया था उसको बफ कर रहे हैं, तो ये भी ये हिस्सा भी आप जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कर लिया। उसके बाद सिंपली आप होम पर आके जो है इसका सिंपली साउंड भी बंद कर सकते हैं, यानी बैकग्राउंड जो म्यूज़िक चल रहा है उसको भी बंद कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बंद किया हुआ है क्योंकि कॉपीराइट का मसला हो सकता है, इसलिए मैंने इसका म्यूज़िक बंद किया हुआ। तो सिंपली आपका काम यहाँ हो चुका है। अब आ जाना है आपने सिंपली काइन मास्टर पे। तो अभी यहाँ पे हम काइन मास्टर पे आ चुके हैं। काइन मास्टर पे आने के बाद यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो वीडियो इंपोर्ट कर लेनी है जो हमने गेम से रिकॉर्ड की थी। उसके बाद सिंपली शुरू में आने के बाद यहाँ पे शुरू में जो हमारी फालतू की वीडियो बनी थी, यानी फालतू जो हिस्सा है उसको हमने यहाँ से कट कर देना। तो यहाँ तक जो है हमारे काम की वीडियो, उससे जो पहले की वीडियो है वो हमारे काम की नहीं है। तो यहाँ सिंपली क्लिक करके यहाँ से स्ट्रीम पे क्लिक करके यहाँ से शुरू वाली वीडियो डिलीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद पैन टू जूम पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको जूम कर देंगे ताकि इसका जो वाटर मार्क है और जो स्टॉप का बटन आ रहा है वो गायब हो जाए, और यहाँ से फुल स्क्रीन कर देना है ताकि देखने में अच्छा लगे। यहाँ से सिंपली कर दिया। देखिए ये सिंपली यहाँ पे हमने इसके जो है फुल स्क्रीन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमारी वीडियो चल रही है और बीच बीच में जो हमारा जो फालतू हिस्सा रिकॉर्ड हुआ था उसको भी कट कर देना है। यहाँ पे देखिए कहाँ तक ये चल रहा है, इसको जैसे ये फिलअप होगा तो यहाँ पे शुरू से हम यहाँ पे शुरू से एंड तक आ जाते हैं। यहाँ पे जहाँ यहाँ पे जो है हमारी गाड़ी तैयार हो गई, तो यहाँ पे हमने सिंपली कट लगाना है। बीच में कट लगाने के बाद इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा देनी है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। देखिए यहाँ पे क्लिक करना है, स्प्लिट पे क्लिक करने के बाद शुरू पे क्लिक करना है। उसके बाद स्पीड पे क्लिक करने के बाद इसकी स्पीड जो थोड़ी बढ़ा देनी है, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा देना है ताकि तेज़ वीडियो चल पाए। उसके बाद जो अगला हिस्सा है यहाँ पे देखें, अगला हिस्सा ये सिंपली रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये अगला हिस्सा तो सही है, हमने इसको कट नहीं करना। ये भी हिस्सा सही है, यहाँ पे भी आप
इसका कट लगाने के बाद, इसको कट लगाने के बाद इसकी भी स्पीड बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैं बढ़ा के आपको दिखा दूँगा। सिंपली ज़्यादा बड़ी भी वीडियो नहीं हो, छोटी वीडियो 3 मिनट 4 मिनट की वीडियो, ताकि बच्चे यही पसंद करते हैं। तो सिंपली यहाँ देखें, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसको जहाँ तक फालतू हिस्सा है, इसका भी हमने कट कर देना है। तो यहाँ पे गाड़ी गई, तो यहाँ पे बीच में दोबारा हम कट लगाएंगे। यहाँ सिंपली यहाँ पे कट लगाना है आपको। सिंपली यहाँ कट लगाने के बाद जो पिछला हिस्सा है उसकी स्पीड सिंपली हम दोबारा जो है बढ़ा देंगे। तो यहाँ देखें, सिंपली इसकी स्पीड हम बढ़ा देंगे थोड़ी, ताकि वीडियो की लेंथ कम हो सके। दोबारा थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद देखें, यहाँ पे सिंपली हम प्ले करते हैं, तो यहाँ डायरेक्टली गाड़ी आती है। गाड़ी आने के बाद जो है सिंपली यहाँ पे दरख्त को काटती है। काटने के बाद डंपर में लोड करती है। और ये जो हिस्सा है, ये इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आप और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, वीडियो को अपने हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पे जस्ट मैंने समझाया आपको, इस तरीके से आप कार्टून वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हमने बना लिया। अब देखें, मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ, जिस तरीके से मैंने इसको प्रोफेशनल तरीके से क्रिएट किया। यहाँ पे तो वीडियो बन चुकी है, पर सेव करने के बाद जो रियल वीडियोस बनी है यहाँ पे, तो सिंपली आपको एक वीडियो कॉपीराइट म्यूज़िक भी ऐड करना है। यहाँ देखें, मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ था, उसको ऐड कर देना, ताकि वीडियो थोड़ी और अच्छी लगे। इसकी जो आवाज़ वो कम कर देनी है। बैकग्राउंड म्यूज़िक आपको लगा देना नॉन कॉपीराइट वाला। तो सिंपली यहाँ देखें, मैंने म्यूज़िक भी लगा दिया बैकग्राउंड पे, और इसकी आवाज़ आपको रखनी है कम, ताकि ये बैकग्राउंड पे चलता है, सुनने में अच्छा लगे बच्चों को। तो यहाँ से सिंपली हम सेव कर देंगे इसको। सेव करने के बाद देखें, यहाँ पे सेविंग पे लगा दिया। अब जो है असल इसका जो अगला हिस्सा था, वो मैं आपको मेन जो अगला सेव होने के बाद सुनाने वाला हूँ। तो वीडियो को देखें और सुने, कितनी अच्छी वीडियो तैयार की है मैंने अपने काइन मास्टर से।